किन चलिए प्रदेश प्रोग्राम विच अज असीं पहुंचे हाँ सिंह फाउंडेशन जो कि रणजीत एवेन्यू बी ब्लॉक अमृतसर विखे स्थित है। सिंह फाउंडेशन इमीग्रेशन के खेत्र में बहुत ही वधिया तरीके नाल सेवावां दे रहा है। जेकर तुसीं भी बाहर जाना चाहते हो तो सिंह फाउंडेशन नाल जरूर संपर्क करो। कोरोना की महामारी के दौरान भी सिंह फाउंडेशन अपने इलाके में बहुत ही वधिया तरीके नाल सेवावां दे रहा है। बीते दिन साडी पंजाब प्लस टी टीम ने सिंह फाउंडेशन का विशेष दौरा किया तो मैडम सतिंदर जी नाल विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस टी टीम वालों एक रिपोर्ट। दर्शकों कंजाइए प्रदेश प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं मैडम सतिंदर जी दे नाल जिहड़े कि पिछले लंबे समय तो सेवावां दे रहे हैं अपने सिंह फाउंडेशन दे विच। और इन्हां दा जिहड़ा वर्क हैगा वह केवल अमृतसर ही नहीं उहदे नाल गुरदासपुर ते होर शहरां दे विच भी फैलिया होया। मैडम तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। सत श्री अकाल सर। थैंक यू सर। मैडम अज दा जिहड़ा दौर हैगा जिस दे विच करोना दी महामारी हैगी आ और बच्चे जिहड़े हैगे आ ओह भी उभ चुके ने और जान नूं बाहर फिरदे ने, की क्राइटीरिया उन्हां दे लई? हरेक बच्चा जिहड़ा हैगा उहदे मन दे विच बाहर जाण दी ख्वाहिश हैगी आ, की क्राइटीरिया उहनां च? सर इस टाइम ते जेकर देखिया जाए तो इस टाइम ते सब कुछ ठीक चल रहा है। कैनेडा च जेकर असीं देखते हैं तो AIP आ रही है, स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छा रिजल्ट है इस टाइम ते। कैनेडा दे रिजल्ट नूं जे मैं लैके तुहाडे नाल गल करदी हाँ 100% रिजल्ट है। सेम जेकर असीं आस्ट्रेलिया की गल करते 100% रिजल्ट है इस टाइम देते। और यूके दे विच भी आने वाले टाइम जो मैंने लगता है कि 100% यूके भी जरूर रिजल्ट देगा। और फाइल इस टाइम जिहड़ियां ने साडियां अंबेसी विच जा चुके हैं यूके दी भी, और रिजल्ट बस थोड़े दिनों से ही आने वाला स्टूडेंट्स हाँ, असं वेट कर रहे हैं इस चीज़ की भी। मैडम अगर गल करिए सिंह फाउंडेशन की जी कि 13 साल की एक पुरानी संस्था जिदे बहुत ज़्यादा जी है दोनों की मेहनत हैगी हसबेंड की बैकग्राउंड से किमें ये सोचा कि असी लोगों भोले भाले लोग जोड़े है पिंड जे गुमराह हो रहे थे किमें अपने मन च एक आइडिया लाया और आइडिया के नाल अज एक बहुत व्डा जोड़ा है नैटवर्क तैयार कर चुके हो? सर सिंह फाउंडेशन असी हसबेंड वाइफ दोनों चला रहे हैं और 13 साल तो इस कंपनी के नाल काम करते पे हाँ। जो भी साडे गल हुंदी सी असीं सुनदे सी न्यूज़पेपर च भी, साडे कई रिश्तेदार भी सीगे और सोचदे उही हमेशा कहिंदे सी साडा इन्ने लख दा धोखा हो गया। मैनूं इह नहीं सी समझ आउंदी कि स्टूडेंट वीजा सर धोखा कि हो सकता है। बस उही गल नूं लैके असीं इह सोचिया सीगा कि जिवें साडा इक दोनों ही हसबेंड वाइफ लैक्चरर बैकग्राउंड तों रहे, मैं MCA कीती, मेरे हसबेंड दी MBA है। और असी ये दोनों ने फिर सोच के 2007 सर असी संस्था जोड़ा वा चा स्टार्ट किया वा। अज तक एक भी स्टूडेंट हाथ उठा के नहीं कह सकता कि इन्होंने साढ़े नाल धोखा किया वा, साडा पैसा मरिया वा सिंह फाउंडेशन जान के, जा साढ़े नाल कुछ गलत होया। बिल्कुल प्रॉपर असी गाइडलाइनस जिहड़ियां दिंदे आ और हर चीज़ च असी खुद दोनों हसबेंड वाइफ इनवॉल्व होंगे हाँ। फाइलिंग साढ़े जिहड़े डायरैक्ट जिहड़े कॉन्टैक्ट आ कॉलेजेस नाल यूनिवर्सिटीज नाल फॉरन दे विच, जिवें हरप्रीत सर आ हर साल यूरोप में मीटिंग लई जाते, कैनेडा लई भी जाते ने, यूके भी जा रहे ने, जर्मनी जाते हैं, फिर इस तो बाद आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। डायरैक्ट जिहड़े असीं इत्थों दी मीटिंग्स भी जिहड़ियां ने डायरैक्ट अटेंड करते हैं और साल में इन्हां दे 5 to 6 चक्कर भी होंदे कि जिहड़े अब्रॉड लगाते हैं। और टाइम टू टाइम असीं स्टूडेंट्स नूं उत्थे जिहड़ा वा मीट करके आने कि साडे स्टूडेंट्स सारे ठीक होने चाहिए, उन्हां दी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैडम असीं मन्नीए कि इंडिया का तुहाडा नैटवर्क हैगा बाहर भी, क्योंकि तुसीं 13 साल के पुराने इस चीज़ के सेवा कर रहे हो और बाहर भी तुहाडा इन्ना ज़्यादा उत्थे इंप्रैशन जिहड़ा हैगा तुसीं अपना क्रिएट कर चुके हो, तुहाडे स्टूडेंट जाके इन्ने सैट हो चुके ने भी कोई भी इत्थों जांदा तो उहदा इंडिया दे विच ही नहीं बल्कि बाहर जाके भी जिहड़े तुहाडे स्टूडेंट्स हैगे आ उहनां नूं एक नैटवर्क देना, उहनां नूं प्यार दे नाल उहनां नूं गाइड करना उह भी उत्थे है। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स में बाहर भी जाके जो तो किसी स्टूडेंट्स में इतों जाता है तो उस टाइम पर मैं उन्होंने हमेशा ये बोल के जानी कि बच्चे तू राजी खुशी का घर फोन करना है, जो कोई प्रॉब्लम आए तो वो सानू कॉल करनी है, असं अपना नंबर उन्होंने दे के भेजते हैं ताकि पहले 2-3 महीने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इतों तक कि उन्होंने रहन सहन का सारा असं इतों करवा के भेजते हैं ताकि बच्चों किसी भी तरह की कल कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं असं करते कि जिमें कई कंसल्टेंसीज जो करवा रहे तो एक्सट्रा चार्ज करते हैं जो इस तरह कुछ नहीं, साढ़े पहले गए हुए स्टूडेंट्स नाल ही असं उन्होंने ज़्यादातर सैटलमेंट कर दें। और इतों तक कि जे किसी कोई खाना सूट नहीं कर रहा जो दिल नहीं लग रहा असं भी प्रबंध करते हैं ताकि उन्होंने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। मैनू तो हमेशा सर यही फील होया कि जो कोई बच्चा इतों जा रहा है कि मैनू तो हमेशा यही अपनी माँ वाली फीलिंग ही आई है कि बच्चे दे नाल बिल्कुल उस तरह ही ट्रीट हो, मेरा बच्चा उत्थे हो किस तरह उत्थे फील करेगा जे कल्ला होएगा, तो उहदे पेरेंट्स हैल्प नहीं उहदी कर सकते पर असी कर सकते हैं, इस करके सर उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करन दी कोशिश कीती है। मैडम एक आम बच्चा जिहड़ा अज ग्रैजुएशन कीती है या पोस्ट ग्रैजुएशन कीती है या प्लस टू कीती भी है
हरेक बंदा जिहड़ा हैगा अपने सपने सजोए बैठा, किद्दां उह बचन? क्योंकि सारे लोग तो सिंह फाउंडेशन में मिल नहीं सकते, ठीक है। हालांकि स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, तुहाडे भी नंबर चल रहे हैं, जिन्हां दी इन्नी वधिया भावनावां ने। अगर वो कित भी बैठे आ, उन्होंने बाहर जाना हैगा, की चीज़ों का ध्यान रखन भी जिहदे नाल वो किसी गलत चीज़ का शिकार ना हो? सर, सब तो पहले तो मैं यही गल कहांगी कि स्टूडेंट अपनी फीस आप देन, एजेंट्स नूं जाके पैसे ना दिओ। जे मैनूं लगता कि तुसीं एजेंट्स नूं पैसे नहीं दिंदे हैगे, तो कभी भी तुसीं किसी भी तरह नाल तुसीं फसते नहीं हो, तुसीं किसी भी गलत परसन के हत्थां विच नहीं जांदे। दूसरे नंबर ते जिहड़ी कंट्रीज तुसीं अप्लाई करना, उहदे कोल वीज़ा देखो, उहदी क्वालिफिकेशन देखो। जदों सब कुछ तुसीं देखदे हो, चैक करदे हो सके तो उस एजेंट नूं खुद मीट करो। जिवें तुसीं देखिया सिंह फाउंडेशन आ के सारा ट्रांसपेरेंट ऑफिस है, सानूं मिलना कोई औखा नहीं, सामने बैठे हुए हैं, कोई साढ़े इस तरह नहीं कि हिडन कोई कैबन बने हुए जां कुछ भी आ। डायरैक्ट एजेंट्स नूं मीट करन, स्टूडेंट उन्हां दे पेरेंट्स उन्हां नूं मिलन, तो कभी भी उन्हां नाल धोखा नहीं हो सकता। सर, मैडम तुसीं यह कहना चाहोगे कि जिस तरीके नाल तुसीं पिक्चर दे विच सामने हो, क्योंकि कोई भी आंदा पेरेंट आंदा, क्योंकि उन्होंने तक तसली नहीं होती जो तक मालिक उन्होंने नहीं मिलते, और तुसीं दोनों हसबैंड वाइफ जिहड़े हैगे उन्होंने काउंसलिंग भी करते हो, उन्होंने मिलते भी हो? बिल्कुल सर, मैं काउंसलिंग भी खुद करती हूँ, और हर काउंसलर के रूम में एक बार चक्कर भी लगानी हूँ, और एक एक क्लाइंट को खुद जाके जरूर मिलती हूँ। मैडम, जिहड़े बच्चे अज जाना चाहते हैं लेकिन आईलैट्स भी उन्होंने नहीं किए, उन्होंने लिए की स्कोप है? सर, बड़ा अच्छा स्कोप है इस टाइम पर। आस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो विदाउट आइल्स, उन्होंने जोड़े स्टूडेंट 20 के पास आउट है, और सर बिल्कुल विदाउट आइलट्स इस टाइम पर जा सकते हैं, जो उन्होंने 60% मार्क्स है प्लस टू वाले स्टूडेंट्स से, जो उन्हें ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर सर उन्होंने घट भी है, परसेंटेज घट भी है, तो फिर भी उन्होंने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी सर वो जोड़े आ विदाउट आइल्स ग्रेजुएशन तो बाद भी जा सकते हैं, और परसेंटेज घट के नाल भी जा सकते हैं। मैडम, जिदा तुम कॉलेज का चूज़ करके देंगे वधिया वधिया स्टूडेंट वीजे के लिए, कि उस तो बाद भी उन्होंने पढ़ाई तो बाद भी उन्होंने नाल काउंसलिंग करके उन्होंने हेल्प कर दो, कि उन्होंने जॉब के लिए भी किसी तरीके दे नाल उन्होंने नाल अटैच हो जाए? सर, हर तरह के नाल। देखो, फॉरन दे विच इस तरह तो नहीं चलता कि उत्थे जाके तुहाडी सिफारिश होएगी जां कुछ भी आ, बट उत्थे रेफरेंस पैंदी है सर जॉब वास्ते। रेफरेंस का भी असं अरेंज करके देने स्टूडेंट्स को, कि जो इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जाके जिहड़े साढ़े पहले गए हुए स्टूडेंट्स है, जां कॉलेज वालों असीं जिहड़ी है रेफरेंस भी उन्होंने जिहड़ी है करवा के देने जॉब के विच, ताकि उन्होंने जॉब की हैल्प रहे, और जो उन्हों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है असं उस तो बाद भी उन्होंने गाइड करते। वैसे स्टूडेंट्स उस टाइम तक बहुत नॉलेज हो जाती है उस कंट्री बारे, बट फिर भी असं हैल्प करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अगे चल के कई कंट्रीज PR लेनी है, जां उन्हां स्टूडेंट्स ने पोस्ट स्टडी वर्क है वो भी जिहड़ी असं हैल्प करवाने। मैडम, तुहाडा नैटवर्क हुण कि जगह के उत्ते है, और आने वाले समय के की पंजाब हरियाणा हिमाचल के जिहड़े भी जिस जगह से साडे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हुंदा कि पढ़ी लिखी बैकग्राउंड वाले लोग होण जिन्होंने ये बिजनेस के टॉप तौर पर नहीं अपनाया हो, बल्कि एक सेवा के तौर के उपर जिस तरीके सपना लैके तुम MBA तो MCA दोनों जी है मिल के जड़िया क्वालिफिकेशन दोनों हसबैंड वाइफ दियाँ, और तुम ये सेवा दे लगे हो, की कहना चाहोगे? सर, इस टाइम के उत्ते मेरे को अमृतसर च ऑफिस है रणजीत एवनी च, दूसरी मेरी ब्रांच है खालसा कॉलेज, साड़ी जी पेरेंटल ब्रांच है खालसा कॉलेज के ऑपोजिट है, सिंह फाउंडेशन के नाम से है। तीसरा सर मेरे को जो ऑफिस है तरन तारण के विच है, और चौथा है गुरदासपुर के, असं बहुत जल्दी हूँ ओपन कर रहे हैं, साड़ी आलमोस्ट जी बिल्डिंग है बन चुकी है उत्थे। बाकी पंजाब वाले जो लोग आ की सोचन, हरियाणे वाले हिमाचल वाले भी उत्थे जाके भी तुसीं कॉलेजां दे विच जां किसी जगह पर सैमीनार्स करोगे जिंदे नाल लोग तुहाडे नाल इंटरैक्ट हो सकते हैं आने वाले समय दे विच, क्योंकि हले तक करोना करके हो सकता कि इन चीज़ों के उत्ते थोड़ा जिहा हले प्रॉब्लम आवे? सर, मैं UK का बहुत जल्दी जो वैबीनर है 4 करवा रही हूँ, पिछले दिनों में मैं कैनेडा के वैबीनर किया सीगा, और स्टूडेंट इस टाइम के उत्ते जो वा साढ़े को जूम के उत्ते जी प्रॉपर काउंसलिंग लै सकते हैं, जिहड़े बाहर है पंजाब के जिहड़े साढ़े इत्थे नहीं आ सकते स्टूडेंट, वो सर स्टूडेंट्स जिहड़े आ मेरा हेल्पलाइन नंबर है नीचे स्क्रोल हो रहा है वो उत्ते सर मेरे नाल गल कर सकते, अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दूसरे नंबर के उत्ते वैबीनार जिहड़ा मैं लैके यूनिवर्सिटी वालों रिप्रजेंटेड लैके और उहदे विच ही गलबात कर रही हूँ। 4 वैबीनार जिहड़े आ बहुत जल्दी मैं UK दे लैके आ रही हूँ, और अगली वीडियो दे विच मैं जरूर ये जिहड़ा डिस्कलोज करांगी कि केड़ी केड़ी डेट दा और टाइम दा प्रॉपर जिहड़ा वा मैं नोट करांगी उन्हां दा। यूनिवर्सिटी वालों मैनू जिहड़ा वा ओह कॉल आ चुकी वैबीनार दी, और पिछले दिन मैं कोरकोड कॉलेज जिहड़ा सीगा उहदा वैबीनार दे विच वैबीनार करवाया सीगा, आने वाले टाइम च वी इसे तरह ही मैं जिहड़े स्टूडेंट्स लई जिहड़ी नॉलेज आ उह लैके यूनिवर्सिटी दे रिप्रजेंटेड लैके आंदी रहांगी। सर, दर्शकों जिदा साढ़े नाल मैडम बने हुए हैं, और असं चाहवे मैडम कि तुहाडियां जिहड़ियां यूजफुल टिप्स हैगियां लोगों के नाल तुसीं अज शेयर कीतियां, उन्होंने असी 50+ के माध्यम से लोगों के नाल हमेशा शेयर करते रहिए, और
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।